हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें बहुत सारे वैकेंसी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL के तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 29 अगस्त 2023 को। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी का पोस्ट है। टोटल इसमें 425 वैकेंसी है। अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.powergrid.in। अब इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 300 रुपीज। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 1 सितंबर 2023 की डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023। इसका एग्जाम होगा अक्टूबर 2023 में। डेट बता दिया जाएगा। उसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना। तो अपारे से मुझे 27 ईयर्स एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। अब इसमें पोस्ट वाइज डिटेल्स देख लेते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में टोटल 344 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिप्लोमा की है रिलेटेड फील्ड में और उसमें 70% मार्क्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल में टोटल 68 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिप्लोमा की है रिलेटेड फील्ड में और उसमें 70% मार्क्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 13 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिप्लोमा की है रिलेटेड फील्ड में और उसमें 70% मार्क्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। रिटन एग्जाम होगा 170 मार्क्स का और टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटा। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 में है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, इसमें 120 क्वेश्चन आएगा और पार्ट 2 में है सुपरविजरी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 1 सितंबर 2023 को। इसमें डिप्लोमा ट्रेनी का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी बता दिए हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी बता दिए हैं। एक बार देख लेते हैं। नॉर्दर्न रीजन 1 में टोटल 71 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में। सिविल में 14 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन 2 में इलेक्ट्रिकल में 12 वैकेंसी है। सिविल में 3 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स में 42 वैकेंसी है। सिविल में 8 वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन 1 में इलेक्ट्रिकल में 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन 2 में इलेक्ट्रिकल में 16 वैकेंसी है। सिविल में 4 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इलेक्ट्रिकल में 12 वैकेंसी है। सिविल में 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी है। साउदर्न रीजन 1 में इलेक्ट्रिकल में 38 वैकेंसी है। सिविल में 7 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी है। साउदर्न रीजन 2 में इलेक्ट्रिकल में 40 वैकेंसी है। सिविल में 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है। वेस्टर्न रीजन 1 में इलेक्ट्रिकल में 35 वैकेंसी है। सिविल में 5 वैकेंसी है। वेस्टर्न रीजन 2 में इलेक्ट्रिकल में 35 वैकेंसी है। सिविल में 7 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी है। ओडिशा प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल में 8 वैकेंसी है। सिविल में 3 वैकेंसी है। कॉर्पोरेट सेंटर में इलेक्ट्रिकल में 5 वैकेंसी है। सिविल में 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 425 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी बता दिए हैं। एक बार आप जरूर देख लेना। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।